Good morning, dear students. How are you? I'm fine. So today let's start question 11. This question says that in a laboratory, the count of read this question carefully. This is so simple, but the language is some different. The count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5 per hour. Now find the bacteria at the end of 2 hours. If the count was initially 5,06,000, okay, इसने क्या कहा है कि किसी लैबोरेटरी में जो बैक्टीरिया रेट है वो इंक्रीज हो रही है और इनिशियली वो कितने थे काउंट किए तब, ये मतलब अभी आप लैब में जा रहे हो काउंट कर रहे हो बैक्टीरिया को, तो ये इतने बैक्टीरिया हैं और उसके बाद वो हर घंटे इंक्रीज हो रही है. देखो पर आवर, हर घंटे उसकी जो इंक्रीजिंग रेट है वो 2.5 है. जैसे अभी तक जब हम अमाउंट प्रिंसिपल कर रहे थे तो क्या कर रहे थे ईयरली, कि आपका एक साल के बाद ऐसे इंक्रीज होगा, जो इंटरेस्ट है वो ऐड हो जाएगा. लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि एक घंटे के बाद जो आपका रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा. एंड आपको कितना बताना, 2 घंटे के बाद बताना. आपको पता है 1 घंटे में जो इंक्रीज होगा वो फिर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो फिर नेक्स्ट घंटे में इंक्रीज होंगे ना. अब पहले आपके 5 थे, पहले घंटे में आपके 1 इंक्रीज हुए, अब टोटल 6 हो गए ना. अब ये अगले घंटे में ये जो 1 है ये भी तो इंक्रीज हो जाएगा. ओके, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सेम आपका, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. सिर्फ सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियली बैक्टीरिया, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इनिशियली कितना था, इनिशियली इज 5,06,000. नाउ रेट इज इक्वल टू 2.5 पर आवर. जहां ईयर्स की बात कर रहे थे यहां आवर्स की बात करेंगे. एंड द टाइम इज 2 आवर्स. नाउ आपको क्या निकालना है, बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स. Now, count of bacteria after 2 hours. आपको 2 घंटे के बाद bacteria count बताना है, total bacteria बताना है increase होने के बाद कितने हुए. तो आपको पता है simple principle का काम करेगा ये वाला, is equal to 506 into 1 plus r by 100. R इज आवर 2.5 की बजाय डेसिमल रिमूव कर देंगे 2.5/10 इंटू रेज टू दावर 2. ओके, सो नाउ 25 फोर्स 100. सो नाउ टेक द एलसीएम, which is equal to 506 into 1 plus 1 by 40 square. आप एलसीएम लोगे कितना होगा, 41/40. ये क्या हो जाएगा, 40 plus 1 41/40, और 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681, और 40 का स्क्वायर 4 4 16, और 10 है, तो आपकी स्क्वायर के बाद कितनी हो जाएंगी, 20 है ना. सो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, पहले आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, फिर मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा लेना, 0 0. नाउ 6 4 8 से कर लेते हैं, 8 2 0 4 4 16. This is 4 1 is 4. 1 4 2 8. 4 6 24 and 4 5 20. अब ये न्यू रे कैंसिल. अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, विच इज इक्वल टू 5 3 1 6 1 6.25. आप इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल यूज करोगे इतना ही आएगा. तो आपके 2 आवर्स के बाद जो बैक्टीरिया काउंट होगा वो कितना हो गया, इतना पहले कितना था 5,06,000, अब आपका ये कितने बैक्टीरिया हैं. सिंपल था, सिर्फ आपका नेमिंग चेंज थी, जहां आपको ईयर दिखाई दे रहे थे इस बार आपका आवरली है.
सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो 12th क्वेश्चन इज अ स्कूटर वॉज बोट एट ₹42,000 इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. डिप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू उसकी गिर रही है. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 year. इट्स द इजी मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सिर्फ आपका टाइम 1 year है, आपको ज्यादा बड़ी मल्टीप्लीकेशन भी नहीं करनी है. सो लेकिन इसने क्या कहा है, अभी तक तो क्या हो रहा था, 1 year के बाद आपका रेट इंक्रीज हो रहा था, है ना, कि आपका इंटरेस्ट है वो पैसे इंक्रीज हो रहे थे, बढ़ रहे थे. लेकिन इस बार उसकी जो वैल्यू है स्कूटर की वो नीचे घट रही है. और किस रेट से, 1% रेट से. मतलब इसका जो, जब हम इंटरेस्ट अगर निकाल लें एक्चुअल में, सिमिलरली सिंपल फॉर्मूले से जो इंटरेस्ट आप निकालते हैं P/R/T/100, वो इसमें से एक्चुअल में माइनस करना है. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह भी निकाल सकते हैं. सो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ स्कूटर, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है स्कूटर का, 42,000 rupees. नाउ रेट ऑफ किसकी रेट, अभी तक तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ये क्या है, डेप्रिशिएशन. आपकी घटने की जो रेट है वो कितनी है, 8% ईयरली या पर एनम. ओके, नाउ टाइम इज 1 year. अब आपको क्या निकालना है, 1 year के बाद उसकी वैल्यू. नाउ अमाउंट ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 year, एक साल के बाद स्कूटर का कितना अमाउंट रह जाएगा. हम सिंपल वही प्रिंसिपल इज टू 1. यहां क्या होता था पहले, प्लस, क्योंकि आपका अमाउंट इंक्रीज होता था. अब माइनस हो रहा है तो माइनस लगा देंगे. R/100 raised to the power 100, R कितना आपका, 8 to the power 1. 1 तो पावर लगाए ना लगाए एक ही बात है. सो 42,000 into ये क्या होगा, 4 4 2 8 and 4 2 8 4 5 2 by 25. जब आप LCM लोगे तो 25 minus 2 20 3 by 25. ओके, सो नाउ 25 1 is 25. सिंपलेस्ट फॉर्म में काउंट करो, 25 1 is 25 एंड नाउ इट इज 18 25 25 2 50. आप इसको कट करोगे तो ये आएगा 25 6 150 125 6 150 एंड देन 20 इट इज 180 एंड 30 plus 8 25 8 is. आप कट कर दीजिए, 25 1 is 25 देन 25 42 minus 25 is 35 and 7 70 170 so 25 6 is 170 and 2 25 8 is 0. 25 is 200 and 0. नाउ मल्टीप्लाई दिस, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 168 को 23 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, 38640. ओके, आप ऐसे ना करके सिंपल इसका ऐसे सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते थे. जैसे हम सिंपल निकालते हैं, रेट आपकी 8 थी, टाइम आपका 1 था, आप इसकी वैल्यू निकालोगे 800 8 2 16 1 8 4 32 plus 1 33. अगर इंक्रीज करते तो ये इंटरेस्ट आपका जो इंटरेस्ट निकालते थे जैसे, इसको आप ऐड करते थे प्रिंसिपल में, लेकिन अब क्या करना, आपको माइनस करना है. तो आप 42,000 में से इसको माइनस कर दीजिए, फिर भी आपका आंसर सेम आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर. कंप्लीट योर नोटबुक अप टू नाउ एंड देन वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. Okay, students, have a nice day. All the best. Bye-bye.